वायरस? अरे मेरा मतलब इंटरनेट वाले वायरसेस। अच्छा, पर उनके लिए तो एंटीवायरस है ना। हाँ, लेकिन मैं जिन वायरसेस की बात कर रही हूँ वो एंटीवायरस के बस की बात नहीं, उनसे हमें खुद ही बचना होगा। जानिए इंटरनेट के नए वायरसेस को। यस, तो हमारा पहला वायरस है जबरदस्ती का ट्रोल वायरस। बहुत कॉमन और बड़ा डिस्टर्बिंग वायरस है ये। इसके सिम्टम्स हैं बिना सोचे समझे अपने ओपिनियंस इंटरनेट पे पोस्ट कर देना या फिजूल लोगों से बहस करना, स्पैम्स भेजना, पर्सनल मैसेजेस और पब्लिक चैट्स में खामखा लोगों को डराना, धमकाना, लुक्स पे कमेंट करना, परेशान करना, किसी के पर्सनल ओपिनियंस की इज्जत नहीं करना, अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर ऑनलाइन गलत काम करना, इससे तो काफी लोग हर्ट होते होंगे ना। सीवियर इन्फेक्शन वाले लोग तो हेट स्पीच यूज करने लगते हैं, फेक न्यूज और अफवाह फैलाते हैं, पोस्ट्स में गाली गलौज करने लग जाते हैं। बस बस और न डराओ, काफी वायरल वायरस लगता है ये। एक से ही डर गए बच्चों, अभी तो और हैं। ओह गॉड। अगला कहलाता है प्राइवेसी का दुश्मन वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो हर किसी को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है। कुछ लोग ऐसी वैसी कैसी भी फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट कर डालते हैं। कुछ लोग अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, OTP, एड्रेस, फोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर कर देते हैं। कुछ लोग तो खुद अपनी पूरी पर्सनल लाइफ की हर पल की रिपोर्ट इंटरनेट पर पोस्ट करते रहते हैं। ये तो बहुत रिस्की है। रिस्की तो है, इसी से तो फोटो मॉर्फिंग, स्टॉकिंग, प्रोफाइल हैकिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज और फाइनेंशियल फ्रॉड्स का खतरा बढ़ जाता है। लोग भूल जाते हैं लेकिन इंटरनेट कभी नहीं भूलता। इन वायरसेस ने बहुतों को इन्फेक्ट किया जरूर है, पर हम इसे हरा सकते हैं। बिल्कुल, चलो मिलकर एक वैक्सीन बनाते हैं। यूरेका, ये काम करता है। हाँ। इन सारे वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने ढूंढ निकाला है एक बेहद असरदार वैक्सीन। BSBK, बी स्मार्ट एंड बी काइंड। सुनने में जितना सिंपल है उतना ही असरदार। बी स्मार्ट एंड थिंक। सोचो, हर क्लिक से पहले सोचो, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के पहले सोचो, क्या ये सही है, क्या ये सेफ है, क्या इस एक्शन में कोई रिस्क है। डोंट ओवर शेयर। तुम्हारी हर पल की खबर से तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ फायदा हो या ना हो, किसी स्टॉकर, अब्यूजर या क्रिमिनल को बड़ा फायदा हो सकता है। एप्स के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स पे हमेशा ध्यान दो। बी काइंड। स्क्रीन की दूसरी तरफ भी एक इंसान है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेट स्पीच, साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट जैसी इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। इंटरनेट का बेस्ट एंड सेफेस्ट यूज करने के लिए ऑलवेज रिमेम्बर, बी स्मार्ट एंड बी काइंड।